हेलो देर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक उससे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ ह्यूमैनिटीज अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर जो कि आपके लिए लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़ बहुत सारे ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड वीडियोज़ और आपकी हेल्प करता है आपका एग्ज़ाम में स्कोर बढ़ाने के लिए तो अगर आप लोग नाइन्टी चाहते हैं या नाइन्टी प्लस स्कोर चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में ह्यूमैनिटीज से तो ज़रूर ब ज़रूर फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर करीजिए ह्यूमैनिटीज़ अड्डा ट्वेंटी को आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है पटेल and national integration जैसा कि आपको दिख रहा है थंबनेल पर पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक जो है ये एक एडिशनल टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में और ये वाला टॉपिक आना ही आना है पेपर में क्योंकि सीबीएसई ने अलग से प्रोवाइड किया है इसको तो या तो हमें इसमें से एमसीक्यूज मिलेंगे या फिर डायरेक्ट एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें से क्वेश्चन ना आए ठीक है तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारे पास इस टॉपिक में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं ह्यूमैनिटीज अड्डा 247 पर देखिए जिस शख्सियत के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उन शख्सियत का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये आपको दिख रही है पर्सनालिटी इस बंदे की इस बंदे को हम लोग कहते हैं क्या द आयरन मैन ऑफ इंडिया द आयरन मैन ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है ये क्यों कहा जाता है इनको क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्या करने में इंडिया को इंटीग्रेट करने में इंडिया को يونাইট करने में तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज और जितना सीबीएसई ने दिया है उतना ही हम लोगों को पढ़ना है तो एक्स्ट्रा चीज बताता रहूंगा आपको लेकिन लेकिन ये वाला पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लिख लीजिएगा सेव कर लीजिएगा ताकि आपको आपके एग्जाम में हेल्प हो सके आइए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट तो हमें हंसते हुए सरदार जी दिख रहे हैं पर सरदार सरदार पटेल या वल्लभ भाई पटेल जी दिख रहे हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है ये कि पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन ये हमारे टॉपिक का नाम है यही है हमारा एडिशनल टॉपिक तो ये कह रहा है ही वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी ही वॉज द फर्स्ट

जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल और खेड़ा मूवमेंट जो है वो नाइनटीन एटीन में हुआ था और इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं आपको खेड़ा मूवमेंट के बारे में तो खेड़ा मूवमेंट जो है खेड़ा मूवमेंट ये गुजरात में गुजरात में पड़ता है खेड़ा और खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वहाँ के लोगों को कुछ प्रॉब्लम थी ठीक है उनके लीडर जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंट मतलब मोमेंट तो बड़ा था लेकिन बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा था इसको लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसके बाद क्या किया उसके बाद इन्वाइट किया गांधी जी को इस मोमेंट में खेड़ा मोमेंट में और खेड़ा मोमेंट को फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बोला जाता है फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोगों को पता है 1920 का है लेकिन ये वाला जो है इसको फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला जाता है जो कि 1918 का है और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें खेड़ा मूवमेंट में इनवाइट करते हैं महात्मा गांधी को और महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों मिलकर महात्मा गांधी जी यहाँ पर स्पिरिचुअल लीडर है लेकिन मेन जो पॉलिटिकल लीडर है यहाँ पर तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेशनल मूवमेंट में एंट्री हो गई है खेड़ा मूवमेंट से ठीक है आगे देखिए क्या बोल रहा है ये तो खेड़ा मूवमेंट के बारे में बता रहा है नाइनटीन के बारे में और खेड़ा मूवमेंट गुजरात में हुआ था क्यों हुआ था गुजरात में हुआ क्या था ड्रॉट पड़ गया था और ड्रॉट पड़ने की वजह से बहुत सारा क्रॉप फेलियर हो गया था और क्रॉप फेलियर होने की वजह से प्लस अंग्रेजों ने क्या कर दिया था ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशर्स ने थर्टी परसेंट टैक्स इंक्रीज कर दिया था खेड़ा के फार्मर्स पे और इन लोगों के पास प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं थी उतना प्रोडक्शन नहीं था और एक और चीज था एक रेवेन्यू कोड था उस टाइम पीरियड में और उस रेवेन्यू कोड में लिखा गया था कि अगर तुम्हारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन जितना एवरेज क्रॉप का प्रोडक्शन है उससे वन फोर्थ हो जाता है तो कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा लेकिन इनके ऊपर थर्टी टैक्स बढ़ा दिया गया था जिसकी वजह थर्टी

तो नेक्स्ट चीज बता रहा है ये हम लोगों को कि नेक्स्ट <coughs> चीज बता रहा है हम लोगों को कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज अ बिग चैलेंज फॉर द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में हमें पता है कि 565 प्रिंसली स्टेट्स से हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है रियासत है ना जहाँ पे राजा बैठता है महाराजा बैठता है या फिर कौन नवाब बैठता है निजाम बैठता है तो उनको क्या कहते हैं प्रिंसली स्टेट जैसे कि हम लोग इस मैप में देख पा रहे हैं, तो इस मैप के अकॉर्डिंग हमें क्या दिक? पता लग रहा है कि जो भी ये रेड ग्रीन अ... ऑरेंज या yeah, जितने भी येलो 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 स्लाइड्स है ये सारी के सारी जो हमें छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है ये सारे के सारे के प्रिंसली स्टेट्स तो इंडिया जब आजाद हुआ तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करें इंडिया में क्योंकि अगर हम लोगों को पता है माउंट बैटन प्लान के बारे में और माउंट बैटन प्लान में क्या लिखा गया था माउंट बैटन प्लान में ये जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है फाइव सिक्सटी फाइव प्रिंसली स्टेट्स जो थे इनको दिया गया था मौका क्या चूज करने का वहां के राजा को निज़ाम को नवाब को चूज करने का मौका दिया था कि आपको जहां पर भी जाना है आप जा सकते हो यानी कि इनके पास तीन चॉइसेस थी या तो ये आ सकते थे इंडिया के पास या तो ये जा सकते थे पाकिस्तान के पास या फिर ये इंडिपेंडेंट हो सकते थे अगर 565 सिक्सटी प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाती तो इंडिया का मैप बिगड़ जाता इंडिया का मैप खराब हो जाता और देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद है यहाँ पर ठीक है आप, तो हैदराबाद हैदराबाद के पास रिवर्स

में भाई ने कर, रुको सबर करो. क्या? मैं जब तक मैं हूं टेंशन तक तक लेने का नहीं ठीक है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जिम्मेदारी जो है मेरी है और मैं देखूंगा कि इनको कैसे इंटीग्रेट करना है इंडिया में ठीक है आगे क्या बोल रहा है ही was नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको क्या बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है Patel's approach टू द क्वेश्चन ऑफ द मर्जर ऑफ प्रिंसली states into independent इंडिपेंडेंट इंडिया very वेरी क्लियर तो ये क्या बोल रहा है इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया तो बोला जाता है है ना और हमें सबको पता है कि एस्टेब्लिश हिस्ट्री क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट भी करवाया लेकिन इनकी नज़र जो थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर थी और इनका दिमाग बहुत क्लियर था कि प्रिंसली स्टेट के साथ क्या करना है हमें तो प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंक्लूड करना ही है चाहे उसके लिए किसी भी तरीके की कीमत देनी पड़े साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ कर लो लेकिन 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 इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंक्लूड अगर नहीं किया तो मैप खराब होगा सो अलग और अगर मान लो ये वाला एरिया चला गया तो ऊपर वाला इंडिया अलग हो जाएगा नीचे वाला इंडिया अलग हो जाएगा तो इंडिया तो पार्टीशन पार्ट्स में टूटता रहेगा ठीक है ठीके? लेकिन संदेह नहीं था कि हमें क्या करना है इसके साथ तो इन्होंने कहा कि स्टेट्स को इंडिया में इंक्लूड करेंगे किसी भी तरीके से ठीक है आइए देखते आगे क्या बता रहा है तो आगे ये हमें बता रहा है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हमें दिख रही है यहाँ पर है ना तो वर्ल्ड स्टैच ऑफ यूनिटी स्टैचू इनकी वजह से ही इंडिया यूनाइट हो पाया इनसे अगर शायद ये ना होते तो शायद इंडिया इतना यूनाइट नहीं हो पाता जितना ये है ठीक है तो स्टैचू यूनिटी के बारे में हमें पता चल रहा है ये क्या बोल रहा है एनी कॉम्प्रोमाइज विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे ये कहते थे कि भाई मुझे इंडिया एज अ प्योर एंड कंप्लीट कंट्री चाहिए पूरी की पूरी कंट्री चाहिए इंडिया के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते क्यों क्योंकि पहले हम लोग पार्टीशन से होकर आए थे पार्टीशन में वैसे ही दंगे बहुत ज्यादा हो गए थे पार्टीशन में वैसे ही खून खराबा बहुत ज्यादा हो गया था तो एक बार अपन देख चुके हैं वो सब कुछ अब दोबारा से पार्टीशन का मतलब दोबारा से दंगे

इनके पास डिप्लोमेसी थी जैसे मैंने बताया आपको साम दाम दंड भेद ठीक है जो प्यार से मान रहा है उसको प्यार से मना लो इंडिया में खींच लो जो प्यार से नहीं मान रहा एक्शन कर दो ठीक है तो इन्होंने डिप्लोमेसी से मीठा बोलकर लोगों से बात कर कर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करी इन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले ही 565 में से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्री कर लिया और बोले कि भैया हम तो इंडिया में ही रहेंगे समझ में आ रहा है नहीं ठीक है तो ये सारी की सारी चीजें हो रही थी और और हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में क्या है। है है चीज़ हमें ये बता रहा है कि 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 सरदार पटेल अब देखो ऐसा है कि सारे के सारे प्रिंस इतने बोले तो थे नहीं है ना कि भाई पटेल जी ने कह दिया चलो चलो चलते ठीक है इंडिया में हो जाता है इंडिया में हो जाता है ठीक है लेकिन कई जगह पर जहां पर प्रिंसिल स्टेट्स बहुत बड़े बड़े थे वहां से चैलेंजेस भी इनको मिले ऐसे ऐसे चैलेंजेस मिले जैसे फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद का देखते हैं हम लोग तो हैदराबाद में आपको पता है कि पुलिस एक्शन के बाद छीन लिया गया था ऑपरेशन पोलो चला दिया गया था यहाँ पर क्यों रज़ाकार्स है ना रज़ाकार्स के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने कि रज़ाकार जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग थे जो कि हैदराबाद के निज़ाम की आर्मी थी

<coughs> जो रूलर था वो क्या था वो आ, मुस्लिम था लेकिन जनता जो थी मैक्सिमम वो नॉन मुस्लिम थी ठीक है और जूनागढ़ की जोग्राफिकल एरिया भी ऐसी थी कि वो जाकर पाकिस्तान में वैसे नहीं जुड़ सकता था और इंडिपेंडेंट हम होने दे तो हुआ क्या था वहाँ पर भी अपन ने एक्शन किया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैदराबाद हैदराबाद जो है तीन दिन बाद सरेंडर करता है मतलब हैदराबाद भी तीन दिन लड़ा है ना जब हम लोगों ने पुलिस एक्शन किया था तो हैदराबाद ने भी रिट्रीट किया था लेकिन लास्ट में लास्ट में उनको सरेंडर करना पड़ा ठीक है तो हैदराबाद के साथ हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने ऑपरेशन पोलो चलाया था ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन के पोलो के तहत ऑपरेशन पोलो के तहत ने क्या करा था हैदराबाद को इंटीग्रेट किया था इंडिया के साथ ठीक है नेक्स्ट चीज क्या बोल रही है कीपिंग वेल वर्स्ट विध पाकिस्तान इंटेंशन फ्रॉम जिन्नास डिजिव टू नेशन थ्योरी सरदार पटेल ओपिनियन ऑन कश्मीर वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर लीडर्स अब ध्यान किया जब पाकिस्तान बना था पाकिस्तान क्या है ये भी देखिए जरा जैसे फॉर एग्जाम्पल पी ए के आई एस टी ए एन तो पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी जो है पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी किसने दी है पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी वैसे स्टार्टिंग में दी थी चौधरी रहमत अली ने 1934 में ठीक है 1940 के जो सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का तो उस उस सेशन में इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग भी मांग करेंगे पाकिस्तान की अब पाकिस्तान है क्या पाकिस्तान इन लोगों ने बोला था कि भाई पी से हमारे पास आता है पंजाब ठीक है ए से हमारे पास आता है अफगानिस्तान जो कि इंडिया का पार्ट तब नहीं था लेकिन ये लोग मांग कर रहे के से आता है कश्मीर कश्मीर आई एस सिंध का उल्टा है सिंध का और तान आता है बलूचिस्तान से बलूचिस्तान तो ये मांग थी इनकी कि हमें ये सारी की सारी चीजें दे दो ठीक है लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत क्लियर थे कश्मीर के मामले में इन्होंने कहा कि भाई कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना लो ठीक है लेकिन कश्मीर को इंडिया को पार्ट बनाने के लिए साम धाम नंदभेद जो भी कर सकते हो सब कुछ यूज़ कर लो लेकिन बाकी पॉलिटिकल लीडर्स का ऐसा मानना नहीं था बाकी पॉलिटिकल लीडर्स का मानना था कि कश्मीर जो है कंटेस्टेड है और बात करके किसी तरीके से अपन उसका आ, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो यूनाइटेड नेशंस में जा सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में जाकर पूछ सकते हैं कि भाई वहाँ पे केस लड़ सकते हैं एक्सेट्रा 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 लेकिन वो वैसा हो नहीं पाया लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे कि भैया मिलिट्री एक्शन करो जैसे हैदराबाद में किया था वैसे ही कर लो यहाँ पर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे हैदराबाद को इंटीग्रेट किया वैसे कश्मीर को भी इंटीग्रेट कर लेंगे और कश्मीर का जो रूलर था जिसका नाम था हरि सिंह उनके बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि हरि सिंह जो था उन्होंने तो पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन कर चुके थे ठीक है तो ये सारी की सारी बातें आ रही थी नेक्स्ट चीज़ देखो क्या बता रहा है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और ये हैदराबाद

और मतलब राष्ट्रवादी प्लस कैटलिस्ट फास्ट काम करने वाला और रियलिस्ट नेता जो है हम लोगों को दोबारा नहीं मिल सकता है पॉपुलर कैरेक्टराइज एज एन तो इनको एन भी बोल सकते हैं हम लोग इन इंडियन पोलिटिकल हिस्ट्री ठीक है तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इन दोनों की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी थी इसके बारे में देखते हैं हमारे पास कुछ बचा है क्या मुझे लग तो नहीं रहा है कि कुछ बचा है एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है कुछ हमारे पास बचा नहीं है आई होप कि आपको सारा के सारा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया होगा और कुछ डाउट्स होंगे तो आप ज़रूर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ठीक है और ऐसे ही एडिशनल वीडियोस एडिशनल टॉपिक्स की वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा कल हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कोई ना कोई टॉपिक जिसका अपकमिंग में वीडियो लगने वाला होगा या फिर शॉर्ट बना के मैं आपको बताऊँगा अगर अभी तक आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आज वाली वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा लाभ उठा सकें तब तक के लिए मोइन पठान आपको कहता है जय हिंद